कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपको फिर आज ले चलते हैं नए देश की नई यात्रा पे। ये देश जो बहुत अच्छा है और हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और इस देश का नाम है थाईलैंड। तो मैं अभी कर रहा हूँ स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे, जो कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है। और अभी बस मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये जो मेरा ट्रिप है US वीज़ा लगने के बाद, तो मैंने सोचा कि पहले एक ट्रिप मैं फैमिली के साथ कराता हूँ। तो ये मेरा जो ट्रिप है वो पूरा फैमिली के साथ होने वाला है। अभी मैं पूरा का पूरा ट्रिप फैमिली के साथ करने वाला हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं थाईलैंड, और अब बस हम यहाँ से हम अपना वेट कर रहे हैं अपनी कैब का, जो हमें लेके जाएगी हमारे होटल। हमने सब कुछ यहाँ पे बुक कराया हुआ है। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे तुषार, जिसने सारी चीज़ें मेरे लिए फैमिली के लिए प्रॉपर बुक करा रखी हैं, होटल, कैब और सारी एक्टिविटी, बच्चों की जो भी एक्टिविटी है वो सारी। तो बस आपको ले चलता हूँ वहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं दिखाते हैं आगे। तो भाई फाइनली मेरी गाड़ी आ गई है, ये वाली गाड़ी मुझे दी है इनोवा, बिल्कुल चमकती हुई शाइन मार रही है, टकाटक गाड़ी है, ऑटोमेटिक है भाई, ऑटोमेटिक इनोवा। बस अब चल दिए यहाँ सीधा होटल के लिए, और डायरेक्ट भाई सीट बेल्ट लगा लो और फिट। और भाई ऐसा कुछ नज़ारा एयरपोर्ट के बाहर का, सीधा आप जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो यहाँ से लगेंगे 15-20 मिनट होटल जाने पहुँचने में। तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा है, ये एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने से हाईवे है जिस पे हम निकले हैं। बीच में देखो आप, ऐसे ऐसे इन्होंने राजा की सब्जी के फ़ोटो लगा रखी है। हाईवे पे भी देखो वेलकम थाईलैंड ऐसे लिखा हुआ है, और कितना सही साफ़ सुथरा सा हाईवे है। इसके साथ साथ बिल्कुल ग्रीनरी चल रही है, उधर शायद वेयर हाउसेस बना रखे हैं उधर उस तरफ। ये हमारे भैया जो हमें लेके जा रहे हैं होटल में, बढ़िया नज़ारा है भाई। पर गर्मी अच्छी खासी हो रखी है भाई यहाँ भी, अभी यहाँ 33-34 टेम्परेचर हो रखा है, गर्मी ठीक ठाक हो रखी है यहाँ पे। ये देखो सामने कितने बड़े अक्षरों में रखा है बैंकॉक बैंक, अच्छी खासी मार्केटिंग कर रहे हैं बैंकॉक बैंक की। हाईवे से नीचे उतर आए हैं, यहाँ सामने हल्का सा ट्रैफिक है, धीरे धीरे चल रहे, और बढ़िया धूप निकल रही है भैया, देख लो अच्छी खासी धूप निकल रखी है। होटल में चेक इन कर रहे हैं, देखिए यार यू हनी सिंह बन रहा, हनी सिंह यू हनी सिंह अभी लगी अपनी व्लॉगिंग में, यू भी आजकल व्लॉगिंग कर रही है ना, ये व्लॉगिंग में लग रही है। तो बस यू हमारा होटल है, अवनी होटल है, हमने जो बिल्कुल ही मेन रोड पे है, यहाँ मॉल के नीचे ही होटल है, इसके बिल्कुल साथ में मॉल है, ये हमने बुक करा रखा है। तो अभी तुम क्या, अभी ये देख ये व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं व्लॉग बनाने की, ये भी कहाँ जाओगे तुम? स्टारबक्स में कहाँ लेगा? तो बस ये रूम दे रहे हैं, दे दिया भाई, साइन कर, फाइनली चेकिंग कर लिया है, और अभी ऊपर जा रहा हूँ रूम पे, क्योंकि जो मेरा रूम है वो 27वें फ्लोर पे है, और इस होटल में जो टोटल फ्लोर है वो 33 फ्लोर है, और मेरा जो रूम है वो 27वें फ्लोर पे है। तो बस अब चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं अपना रूम कैसा है, मेरा रूम और कैसा नहीं है। तो भाई 27वां फ्लोर दबा दे, 25-26 अच्छा उस वाले, ये रहा, अच्छा कार्ड लगाना पड़ेगा भाई, ले कार्ड निकल, लगा कार्ड निकल के टैप कर, लगा ले 27 फ्लोर दबा दे, बस। तो भाई बस चल दिए अपना ऊपर 27वें फ्लोर पे, भाई ये दब गई लिफ्ट, ये अपने 27 फ्लोर पर चल रहे हैं ऊपर, लिफ्ट की स्पीड दिखा देता हूँ आपको, ठीक ठाक ही है स्पीड, सही चल रही है गोली, पानी नहीं 8वें फ्लोर पर आ गए, 9वां, बीच में भी 23-24 दबा रखे उन्होंने, दो जो हमारे साथ लिफ्ट में हैं, दो उन्होंने 23 और 24 फ्लोर दबा रखे हैं। लगाई ना चढ़ने के लिए, बिना चढ़ती हूँ।
तो भाई 23वें फ्लोर पे आ गए, हमारा 27वां अभी हम और ऊपर जाना है। एक भाई तो उतर गए हैं 23वें वाले पे, अभी 24वें वाले पे जा रहे हैं। 24वें वाले ये मुँह में मत दे भाई, चाय मुँह में क्यों दे रहे हो तुम? फिर ऐसे कर लो, दोनों चाबी यहीं में ना, ठीक है। ले भाई को 24वां फ्लोर आ गया और हमारा 27वां, तो बस थोड़ी देर में 27वें फ्लोर पे। 24, 25, 26, 27 लो जी आ गए हैं 27वें फ्लोर पे। अबीर खोल, अब पहले आप जाओ फिर बताऊंगी। तो भाई ये हमारा रूम है, ऐसा कुछ रूम है भाई, ये देख सकते हो आप, एक्स्ट्रा बेड लगा दिया है। और भाई यहाँ से रूम का जो व्यू है दिखाता हूँ आपको, ओ शिट, यहाँ से तो पूरा ही भाई बैंकॉक दिख रहा है, वो सामने नदी, पूरा बैंकॉक दिख रहा है भाई। इतने ऊपर तो इन्होंने हमें रूम दे दिया, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, 33 वो है ना टोटल फ्लोर। तो भाई ये हमारा रेस्ट रूम, खूब बड़ा रेस्ट रूम, अच्छा खासा। तो भाई बढ़िया होटल है भाई, बस हम होटल से निकल रहे हैं। अभी क्या है कि हमारा ना शाम का क्रूज़ है, तो हमारा ड्राइवर आ गया, टैक्सी आ गई हमारी, बस अभी यहाँ थोड़ी देर में हम निकल रहे हैं, यहाँ से सीधा हम क्रूज़ पे जाएंगे। और अभी आपको दिखा देता हूँ भाई, यहाँ देखो पॉश खड़ी है बिल्कुल हमारे होटल की लॉबी में खड़ी है, बस अब यहाँ से थोड़ी देर में निकल जाते हैं और सीधा फिर मिलते हैं आपको क्रूज़ पे। क्रूज़ दिखाते हैं आप ये कैसा है, क्योंकि मैं अभी पहली बार जा रहा हूँ इनके साथ, बच्चों के साथ, और सारे टोटल सारी की ऐसी करा रखी है मैंने, बच्चों की एक्टिविटी पूरी करा रखी है जितनी मैक्सिमम हो सकती है। हम जितने कर सकते हैं 5-6 दिन में जितनी मैक्सिमम कवर कर सकते हैं हम सारी कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो भाई बस अब ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है, इसी की वेट कर रहा हूँ, ये गाड़ी ले आता है तो फिर चलते हैं क्रूज़ पर, क्रूज़ पर आपको दिखाते हैं कि क्या होएगा। हमने पूरा का पूरा VIP ट्रीटमेंट करा रखा है, ये हमें जो हमें गाड़ी दे रखी है वो फॉर्च्यूनर दे रखी है इसने, और पूरी की पूरी जेट ब्लैक है, आपको बाहर से दिखाऊंगा तो दिखेंगे आप कितनी जेट ब्लैक फॉर्च्यूनर दे रखी है हमें, मतलब शीशे इसके जेट ब्लैक है, वैसे तो व्हाइट कलर की गाड़ी है, व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर है। वो मेरे से कह रहा था कि भाई पूरा का पूरा मैंने आपको ना VIP ट्रीटमेंट कर रखा है, मैं क्या ठीक करा, ये तो बढ़िया कर दिया तूने भाई कि ठीक है। अच्छा फिर वो ये भी होता है कि फैमिली के साथ एटलीस्ट आपको, आप फैमिली के साथ हो तो गाड़ी भी प्राइवेट होनी चाहिए यार, सबके साथ वो कंबाइंड में कर लेते हैं तो उसमें थोड़ा परेशानी हो ही जाती है, इसलिए मैंने तो ये सब कुछ प्राइवेट करा रखा है, बिल्कुल ऐसा कि कोई परेशानी ना हो। और वैसे वो मेरा जो दोस्त है वो वैसे बढ़िया बंदा है, उसके अपने विलाज हैं यहाँ पे, अपना अच्छा काम है उसका, तो उसने करा के दिया ये सब। तो भाई अभी अब चल रहे हैं क्रूज़ पे, और वो वैसे भी ना थोड़ा उसने पहले ही कहा था कि भाई टाइमिंग से आधे घंटे पहले या 40 मिनट पहले निकल जाएं तो बेटर है, क्योंकि यहाँ एक तो बैंकॉक में ट्रैफिक बहुत होता है। तो बस वो देख सकते हो कि आप ट्रैफिक शुरू ही गए, शाम होती जैसी जैसे शाम हो जाती है ट्रैफिक शुरू हो जाता है। और वैसे भी हम बिल्कुल ही मेन सिटी में रुके हुए हैं, जो मेन एरिया है वहाँ पे रुके हुए हैं, बिल्कुल मॉल के साथ में, यहीं पे अपना होटल है जो सेंट्रल मॉल है, ये रहा सेंट्रल मॉल, सेंट्रल मॉल के बिल्कुल होटल में नीचे ही सेंट्रल मॉल है, ऊपर हमारा होटल है। ये हम क्रूज़ पे आ गए हैं, अब ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है, ये वाली हमारी गाड़ी है जिसमें हम आए हैं, ये वाली फॉर्च्यूनर दे रखी है हमें इसने। तो भाई बस अब यहाँ से चलते हैं ऊपर, ये बताएंगे किस तरफ जाना है, ये भैया बताएंगे शायद ऊपर जाना है, ऊपर मैंने देखा था एंट्री कर रहे थे वहीं क्रूज़ खड़ा हुआ था भाई, उस पर चलते हैं ऊपर। ये नींद ले ली इसने पूरी, सो लिया, ये सोता हुआ आया आराम से, नींद लेता हुआ आया पूरा। तो भाई चलते हैं, वैसे ड्राइवर भी आ जाएगा, हमें ये ड्रॉप कर देंगे वहाँ क्रूज़ पर। तो भाई नीचे पार्किंग से ऊपर आ गए, बस जा रहे हैं क्रूज़ पर, जो हमारी पार्किंग थी वो लेवल 2 पे थी, तो अब यहाँ से सीधा ऊपर चलते हैं। ये भैया हमें लेके जाएंगे, हमारे ड्राइवर भैया हमें छोड़ के आएंगे, कहाँ है क्रूज़ हमारा। मुझे लग रहा है शायद कुछ मॉल टाइप है, हाँ मॉल ही है शायद। तो बस चलो, अब कहाँ है भैया क्रूज़ हमारा,
अच्छा फूड स्ट्रीट है कुछ, वो सामने सी फूड स्ट्रीट। ये देखो बढ़िया मार्केट बना रखे हैं ना भाई, अभी ये क्या कर रखे हैं भूत से, देखो दो भूत खड़े कर रखे हैं। ये देख थाई वे से बहुत सारे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। सारी टूरिस्ट की मार्केट है। हाँ नहीं अब क्रूज में दुकान घुसे तो लेके जा रहे हैं ना मेरा, ये देख कितना बढ़िया बना रखा है, यहाँ तो भी सब खाने में लग रहे हैं। बढ़िया सुंदर बना रखा है। टिकट दे दी और ये स्टिकर दे दिए कि स्टिकर अपने यहाँ लगा लो, और ये टिकटें हैं। अभी जो बोट का टाइमिंग है वो 8 बजे का है, अभी 7 बजे हैं, तो बस अभी कह रहे हैं कि आपको यहाँ ये लोकल मार्केट घूमनी है तो ये मार्केट घूम लो, नहीं तो बाकी अपना देख लो कैसे करना है, क्योंकि अभी 1 घंटा है। तो बस वो चल रहे हैं उधर ही बोट की तरफ, भैया लेके जा रहे हैं। ये देखो यहाँ लोकल मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं भाई, स्ट्रीट फूड। वैसे तो नॉन वेज ज़्यादा है मोस्टली, देख सकते हो आप, मोस्टली नॉन वेज ज़्यादा है, वेज तो कहीं नहीं है, नॉन वेज ज़्यादा है। अभी समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ में वेज है किस में नॉन वेज है, तो भाई मैं तो ट्राई करने की कोशिश भी नहीं कर रहा कुछ भी ना खाने की। वैसे सारा ही सी फूड ही है, वो लिख भी रखा है इन्हें सी फूड स्ट्रीट, सारी सी फूड स्ट्रीट है भाई। ये देखो अपने कुमार जैसे बनाते हैं उसने बुढ़िया अपना ही बना रही है, देखो ये सब बना रही है, लाइव चल रहा है मामला। बढ़िया वाली भीड़ है भाई, मोस्टली खाने वाने कैसे कोई बार ज्यादा है। Where we go? Pier 4. Okay. Pier 4, the bus stand by 7:45 bus stand by Pier 4. Okay. Bus start 8 o'clock. 8 o'clock. Yeah. So we go there. भैया बता रहे हैं कि 7:45 पे वहीं जा खड़ा होना है, तो बस भाई वहीं जा रहे हैं, सीधा वहीं लेके जा रहे हैं। ये देखो बढ़िया मॉल है भाई, पर सिर्फ सारे में खाने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, खाने का मतलब खाने का सिस्टम ज़्यादा है। ये देखो बढ़िया बड़ा बड़ा अपना ब्रांड के शोरूम भी है बड़े बड़े भाई, पेरिगामा, रोलेक्स। वहाँ पोर्ट पे बाहर जहाँ से बोट जाएगी क्रूज जाएगा, देखना कितनी सारी भीड़ है भाई, ये सारे लोग उसी के लिए आए खड़े, अलग अलग बोट है शायद सबकी सर की, सब लोग देखो कितना रश है, हाथ पकड़ लो एक दूसरे को, कितना रश है भैया, तगड़ा रश है भाई, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई।
बिल्डिंग देखे दादा, खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मतलब यहाँ महसूस हो रहा है अच्छी जगह हम आए हैं। बहुत अच्छी जगह आए महसूस हो रहा भाई। तो भाई अभी क्रूज में तो है एक घंटा, तो हमने सोचा कुछ खा ले। वैसे भी ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए। अभी तो अमरूद लिए थे हमने, अमरूद खाए तो अमरूद तो अच्छे, बहुत ही मीठा अमरूद था, बहुत ज़्यादा मीठा अमरूद था। पर अभी ये क्या है कि बच्चे बोल रहे हैं कि हमें क्या कोकोनट आइसक्रीम खानी है। कोकोनट की कोई आइसक्रीम बता रही है, वो ढूंढ रहे हैं, वो कहीं मिल जाएगी तो कोकोनट वाली आइसक्रीम इनको खानी है। वो वैसे तो हमारा वो है उधर, उधर देखो कोकोनट आइसक्रीम हो रही। वैसे तो हमारा है उधर डिनर क्रूज पे ना, पर अभी एक घंटा है तो सोचा कुछ ना कुछ छुटपुट ऐसा कुछ खा लें। ये रही, Do you have a coconut ice cream? Yeah. Where is it? Coconut ice cream. Ice cream. Yeah. Coconut. Yeah. This. One. First we can take and check. How is it? तो ये कोकोनट आइसक्रीम बच्चों को मिली गई है भाई। यहाँ पे मिली है 70 baht की, 70 baht। अब 70 baht को आप कर लो, आज का जो रेट चल रहा है वो 2.55 चल रहा है। ये कोकोनट आइसक्रीम बना रहे हैं भैया, सब कुछ ही कोकोनट का है और कोकोनट में डाल के दे रहे हैं। यहाँ बैठ जाओ, तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बहुत पुरानी बग्गी, खूब पुरानी बग्गी बना रखी है इन्होंने। इधर एक पुरानी पुरानी सी बग्गी बना रखी है ऐसी, एक बुल बना रखा है। प्लीज डू नॉट केयर, थैंक यू। इसके ऊपर बैठने के लिए मना कर रखा है इन्होंने, इस बग्गी के ऊपर। तो भाई कोकोनट आइसक्रीम इज रेडी। क्या चाहिए तुझे पता? वो पूछ रहे क्या चाहिए, क्या टॉपिंग चाहिए? इज ऑल आर वेज ना, थ्री कोई भी डलवा ले। ये हाँ मैंगो डलवा ले। मैंगो तो भाई ये इसकी कोकोनट आइसक्रीम बन रही है, इसको कोकोनट आइसक्रीम चाहिए थी और मिलेगी फाइनली कोकोनट आइसक्रीम ना। ये आ गई भैया इसकी कोकोनट आइसक्रीम भाई। उनको बच्चों को मैंने कोकोनट आइसक्रीम दिला दी और फिर मैंने सोचा कि मैंने कि वो मुझे फ्रूट ही ठीक है, मैं फ्रूट ही ले लेता हूँ। तो अभी जा रहा हूँ बस वहीं वो फ्रूट वाले के पास जहाँ से फ्रूट लिए थे पहले। उसका भाई बहुत बहुत टेस्टी था अमरूद, बहुत ही मीठा था भाई, मज़ा आ गया उस अमरूद को खाने में। वैसे तो वो 60 baht का था पर था बहुत मीठा। तो अभी ले लेता हूँ भाई उससे। तो यही वाला अमरूद था भाई। गिव मी वन। वो हंस रही है दोबारा मुझे देखे कि मैं फिर से आ गया। तो भाई सही में बहुत टेस्टी था अमरूद, इसलिए आना पड़ा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मतलब मैं आइसक्रीम खा नहीं सकता क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है और बच्चे टेस्ट कर रहे हैं वो खा सकते हैं आइसक्रीम, मैं तो खा नहीं सकता भाई, मेरा बिल्कुल गला बैठा हुआ है। या तो भाई अमरूद ले लिया फिर से, ये रहा। तो चलते हैं इसको खाते हैं। ये लिया भाई मैं तो अपना अमरूद, ये अपना खा रहे हैं आइसक्रीम। मेरा गला बैठा पड़ा तो मैं आइसक्रीम लेने का अमरूद लिया आपने। हाँ भाई मज़ा आ रहा है अमरूद में, मीठा लग रहा है। और तेरी आइसक्रीम तुझे खानी है थी। तो ऐसा कुछ नज़ारा मार्केट का भाई, देख लो। आ गया अपना क्रूज, बस आपको इसको ये लगा रहे हैं यहाँ पे।
और उसके बाद इसमें बैठ जाएंगे। अब देखते हैं अंदर जाके क्या क्या सिचुएशन है। वैसे मुझे जो लग रहा है कि जैसे इन्होंने नीचे बफे लगा रखा है, बैठने का भी है, ऊपर भी है, शायद ऐसा कुछ है। अभी तो बाकी अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो ये नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ पे, बिल्कुल शेरटन के सामने। तो यू रेडी है क्रूज पर जाने को? कतिर राजी हो रही है पुत्र? हाँ भाई राजी हो रहा क्रूज जाने को? तो बस आ गया अपना क्रूज पूरा सामने, ऐसे लगा रहे हैं अभी। ये वाला क्रूज है अपना, बस हमारी जो सीट है वो नीचे है। चल रहे हैं बस क्रूज पे। ट्वेंटी सिक्स आर हो रहा है इधर। तो भाई ये है देख लो क्रूज, ये हम इस टेबल पे आके बैठ गए हैं। पानी और ये इन्होंने शायद कोई मॉकटेल रख रखी है और अच्छा खासा ठंडा हो रखा है भाई तगड़े वाला। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ये इन्होंने बफे लगा रखा है भाई यहाँ पे, ये देखो इन्होंने बफे लगा रखे हैं यहाँ पे, बढ़िया वाला बफे लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे। और इधर सामने ये म्यूजिक बना रखा है कि लाइट लाइट म्यूजिक चलता रहे। ये डेजर्ट लगा रखे हैं, ये डेजर्ट लगा रखे हैं। बस मतलब लाइक आप बोल सकते हो कि एक बफे है और वो क्रूज पे इन्होंने एक बस बफे बना रखा है कि घूमते रहो और बस खाते रहो, दैट्स इट। और सबकी टेबल नंबर दे रखी है, अपने टेबल पे आराम से आके बैठ जाओ। होगी ये गया प्लेट लिया खाली, ये गया खाना लेने के लिए। उन्होंने बोला कि अभी नहीं मिलेगा, 5-10 मिनट बाद खाना मिलेगा। जैसे ही सारे लोग आ जाएंगे फिर उसके बाद ही शुरू करेंगे शायद, ऐसा कुछ है। ये इसके मैं खाना खा के बाहर आ गए, ये इसका बाहर का नजारा है भाई। देख लो ये बोट चल रही है ऐसे। लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया था तो ऐसी तो बोट थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया भी लंदन भी ऑलमोस्ट ऐसी वो क्रूज ही होता है जो बीच में वो चलता रहता है और ऐसी बस दोनों तरफ बिल्डिंग है, दोनों तरफ सिटी है। सेम यूरोप भी यही था। ये देख लो भाई बाहर का सीन, बोट के ऊपर आ गया मैं छत पे, तो वहां से वीडियो बना रहा हूँ बस। अंदर म्यूजिक चल रहा है, ये देख लो भाई बाहर का नजारा और सुंदर। अंदर म्यूजिक चल रहा था, दबा के लोग डांस कर रहे हैं, दबा के अंदर म्यूजिक चल रहा था, दबा के फाइनली कर तो आए। अरे मजा कर रहे हैं, पूरा फुल मजा करके आए, फुल 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 एंजॉय करके आए। अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा, पैरों में दर्द हो रहा है। पैर में दर्द कैसे होगा, डांस कर रहा था? खूब डांस करा यार भाई, लेकिन पैर में दर्द होगा कह रहा, डांस डांस करते करते पूरे पैर में दर्द हो गया। क्यों अब जाती सो जी, अब जाती सोएगा कह रहा वो। रे अंकल वो खड़े सामने, ये रे। तो बैसी ये था इसका क्रूज का टूर और अब हम चलते हैं वापस चलते हैं अपने होटल की तरफ। चलो